Hey guys, this is Rohit Bhakat and welcome back to my channel Mobile Talk. तो guys, Tecno ने Camoni सीरीज का फिर एक नया मोबाइल लेकर आ गया जिसका नाम दे दिया Tecno Camoni AC2X. तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसी फोन का और इसके साथ ही हम बात करेंगे इसी फोन के कुछ इंटरेस्टिंग कूल फीचर्स के बारे में. तो guys, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन. आई होप गाइस यू वुड एंजॉय दिस वीडियो. तो गाइस, ये रहा Tecno Camoni AC2X का बॉक्स. तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि छोटा सा है अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं. तो बॉक्स की राइट साइड में कुछ फीचर्स मेंशन किया गया है, जैसे कि 5.5 इंच के डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल कैमरा, वॉइस चैट फ्लैश एंड वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा. और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा कुछ IMEI का नंबर और यहाँ पर प्राइस दिया गया 9,499 रुपीज़. लेकिन इस फोन का जो प्राइस है 7,500 रुपीज़ आपको मार्केट पे मिल जाएगा. और यहाँ पर कुछ IMEI का स्टिकर्स, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं. तो गाइस, ये फ़ोन मेरे पास गोल्ड कलर पे अवेलेबल है, लेकिन जो ऊपर का पैटर्न आपको रहेगा वो ब्लैक ही देखने को मिल जाएगा. तो फ़ोन बाहर आ चुका है. तो गाइस, पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे स्पीकर्स और दो रियर कैमरा भी आपको मिल जाएगा विथ क्वेट LED फ्लैश, जो कि ज़बरदस्त LED फ्लैश आपको मिल जाएगा. और राइट साइड में आपको मिल जाएगा पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन की. तो गाइस, ये फ़ोन का जो डिज़ाइन है ये फुल्ली प्लास्टिक बॉडी और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक 3.5 mm का जैक और एक नॉर्मल सा 2.0 चार्जिंग केबल. तो गाइस, चलिए फ़ोन को हम ऑन करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिलता है. तो यहाँ पर रोज की तरह आपको मिल जाएगा एक IMEI का स्टिकर्स और एक यूज़र मैनुअल, जो कि किसी काम का नहीं. और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Tecno का पहला जैसे 12+1 ईयर यानी 13 महीना का वारंटी, वो भी स्किन ब्रोकेबल वारंटी के साथ. तो चलिए इसको हम साइड करते हैं. और यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉर्मल सा एक USB केबल जो कि 2.0 है. और यहाँ पर मिल जाएगा एक चार्जर अडाप्टर जो कि दोस्तों 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर आपको मिल जाएगा. तो गाइस, बॉक्स कंटेंट को हम साइड करते हैं और फ़ोन की सेटअप करते हैं. तो गाइस, ये फ़ोन 7,499 रुपीस में आपको मिलता है 3GB एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ. तो गाइस, प्राइस के हिसाब से फ़ोन ठीक ठाक है. फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है, दोनों तरफ आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाता है, तो फ़ोन बढ़िया है. तो गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन की और भी हिडन फीचर्स के बारे में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो गाइस, इस फ़ोन का जो पहला इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा कनेक्टेड डिवाइस. तो गाइस, कनेक्टेड डिवाइस में आपको चार ऑप्शन मिलेगा, लास्ट ऑप्शन मिलेगा प्रिंटिंग. तो गाइस, प्रिंटिंग में आप डिफॉल्ट कोई भी फोटोज डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो डाटा केबल के बिना, यानी डायरेक्टली वाईफाई या ब्लूटूथ की थ्रो से आप डिफॉल्ट प्रिंट कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है. और सेकेंड फीचर्स आपको मिल जाएगा माइक्रो इंटेलिजेंस. तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा इस ऑप्शन में डबल क्लिक टू ब्रॉडकास्ट. तो गाइस, ब्रॉडकास्ट अगर ऑन करते हो, अगर स्क्रीन लॉक करते हो, तो आप इस तरह से टाइम चेक कर सकते हो. देखिए, जस्ट आपको दो क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर. तो गाइस, इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. और ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वेदर ब्रॉडकास्ट एंड अलार्म ब्रॉडकास्ट. तो गाइस, ये दोनों आप ऑन कर दीजिए और देखिए आप फिर से किस तरह से काम कर रहे हैं. प्लीज लोकेट द करंट पोजीशन एंड ऑब्टेन द वेदर डाटा. नो अलार्म्स. It's 12:14 PM now. तो गाइस, यहाँ पर आपको तीन टाइप का मिल जाएगा, वेदर, टाइम एंड अलार्म. तो आप तीन तरह के स्क्रीन लॉक करके मजा ले सकते हो. अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा म्यूजिक गेस्चर. तो गाइस, म्यूजिक गेस्चर तो आप सभी मोबाइल पे मिल जाता है. तो आप म्यूजिक गेस्चर से आप कोई भी सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो स्क्रीन लॉक करके. बहुत ही अच्छा से आप प्ले पूज नेक्स्ट PBS गान को प्ले कर सकते हो. अब दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्लिप टू म्यूट. तो गाइस, फ्लिप टू म्यूट से क्या होगा, अगर आप कोई भी किसी से बात कर रहे हो या फ़ोन कॉल चल रहा है, तो उसी वक्त अगर आप फ़ोन को फ्लिप करते हो तो डायरेक्टली आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा. तो ये भी दोस्तों इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा फीचर से. अब चलते हैं दोस्तों, टेक स्क्रीनशॉट विथ 3 fingers. तो गाइस, ये फीचर्स में आप क्या होगा, 3 fingers अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप अप करते हो, स्वाइप डाउन करते हो, तो आप इजीली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसके लिए आपको कोई भी बटन्स नहीं दबाना होगा. काफ़ी मोबाइल पे बटन्स दबाने पे बहुत ही तकलीफ होता है. तो यहाँ पर आप इजीली 3 finger को आप नीचे की तरफ स्वाइप डाउन कीजिए, तो आप इजीली ले सकते हो. अब दोस्तों चलते हैं कवर टू साइलेंस. तो गाइस, कवर टू साइलेंस ऑन करने के बाद क्या होगा, अगर मानो कि आपके फ़ोन पे कोई भी
सॉन्ग्स चल रहा है या कोई भी फोन्स कॉल चल रहा है, तो अगर आपनी प्लम्प यानी हाथ अगर आप फोन्स के ऊपर रखते हो तो वो फ़ोन डायरेक्टली साइलेंस हो जाएगा। और गाइस नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड लास्ट ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा सिस्टम्स। तो गाइस सिस्टम पे जाने के बाद इस फोन का जो इंटरनल फीचर्स है यहाँ पर फुल्ली आपको डिटेल्स पे देखने को मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों इस फोन का बहुत ही अच्छा फीचर्स है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स। तो गाइस इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड गो टू सिक्योरिटी एंड लोकेशन सेटिंग्स। तो गाइस सिक्योरिटी एंड लोकेशन सेटिंग्स पे आपको पहले ऑप्शन मिल जाएगा जो कि दोस्तों फिंगरप्रिंट। तो गाइस फिंगरप्रिंट से आप सिर्फ अनलॉक नहीं कर सकते हो और भी मज़ा ले सकते हो। तो गाइस ये मज़ा लेने के लिए पहले आप अपना फिंगरप्रिंट चेंज कर लो। तो गाइस मैं फटाफट अपना फिंगरप्रिंट चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस इस फिंगरप्रिंट से आप अपनी कोई भी फोन्स कॉल को रिसीव कर सकते हो, फोटोज़ भी ले सकते हो और दोस्तों कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर आपको करना है वॉइस रिकॉर्ड्स तो वो भी दोस्तों आप फिंगरप्रिंट के थ्रू कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक फोटोज, एक्सेप्ट कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट कॉल, थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा डिसमिस अलार्म, तो आप अलार्म को भी डिसमिस कर सकते हो फिंगरप्रिंट टच करके। और तो ये भी फीचर्स बहुत ही अच्छी है इस फ़ोन का। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड सिस्टम नेविगेशन। तो गाइस सिस्टम नेविगेशन की तो नीचे की तरफ जो सिस्टम की मिलेगा वो आप चेंज करके स्वीप अप वाला ऑप्शन ले आ सकते हो। तो गाइस मेरा कहना है सिस्टम नेविगेशन की बहुत ही अच्छा, लेकिन ये दोस्तों जो गेस्चर नेविगेशन है ये अच्छे सा काम नहीं करता, या काम करता है लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। तो की नेविगेशन यानी सिस्टम नेविगेशन ही बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के लिए दोस्तों आपको फिर से जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड गो टू सिस्टम सेटिंग्स। तो गाइस सिस्टम सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अबाउट फोन। तो गाइस अबाउट फोन पे आपको जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा बिल्ट नंबर। तो गाइस बिल्ट नंबर में आपको बहुत तीन चार बार क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर फिर से आपको पैटर्न लॉक मारेगा, तो कंफर्म कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको यू आर नाउ ए डेवलपर, तो यहाँ पर आपको नया ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। और ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज रहना पड़ेगा, यानी डेवलपर ऑप्शन में क्या क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा नॉलेज है तभी आप ये ऑप्शन ऑन करो, अगर नहीं है तो मत करो, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा क्रिटिकल ऑप्शन है, इसमें थोड़ा काम करने के लिए नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो बस यही था इस फ़ोन का कुछ फीचर्स। अगर गाइस आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलना। अगर इस फोन के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। और दोस्तों अगर पर्सनली आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरा इंस्टा का आईडी, जाके फॉलो करके मुझे DM करो। तो गाइस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।